इस पर क्लिक करना है अगर आपको ये पता है तरीका फिर भी थोड़ा देख लो इसमें कुछ और तरीका जो है वो हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है चेंज उस तरीके को पूरा देख लो ये दिमाग में मत लाना कि ये तरीका आपने बता चुका है हमें पता है अब हम इस वीडियो को नहीं देखेंगे देखो इसमें थोड़ा चेंज है पूरा वीडियो जब देखोगे समझ जाओगे बिल्कुल हेलो मित्र नमस्कार आप सब कैसे आई होप आप सब अच्छे होंगे मित्रों बहुत गौर से इस बात को देखना और समझना आप एक यूट्यूबर हो यूट्यूब पर काम कर रहे हो और आपको काम करते हुए एक महीना या चार महीना या छः महीना या एक साल हो गया है तो इसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दिसंबर जा रहा है और चालू होगा 2024. 2024 में कैसे ग्रो करोगे अपने चैनल पर कैसे व्यूज़ लाओगे कैसे सब्सक्राइबर लाओगे वो तरीका बदल चुका है ऐसे बदल चुका है हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताएंगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो जेनुअन और भरोसेमंद कंटेंट होते हैं उसी पर बात करते हैं कोई फर्जी की बातें हम इस चैनल पर नहीं करते हैं कैसे चैनल पर ग्रो करना है सारा कुछ सिखाते हैं क्योंकि हमने तजुर्बा हासिल किया है चार साल के करियर में हाँ जरूर दोस्त आज आप वो सीखेंगे कि कैसे आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखें जिससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन से आप टैग डालें कौन से की डालें जिससे आपका वीडियो रैंक करे जब वीडियो रैंक करेगा तो वीडियो पर व्यूज़ 100 परसेंट कैसे रैंक करेगा सारा कुछ बताएंगे कैसे टैग लगाना है टैग भी लगाना आपको बताएंगे, क्योंकि 2024 आने वाला है अगर तेईस में आपने नहीं ग्रो किया और ये मत हताश मत हो ये मत सोचो कि अभी तक चैनल आपका मोनेटाइज नहीं हो पाया या आप यूट्यूब पर सफल नहीं हो पाए लेकिन इतना ज़रूर आप अपने दिमाग में लगाओ कि अगर 2023 में आपने काम किया या 2021 में काम किया या 22 में काम किया आपको एक साल हुआ या दो साल हुआ या तीन साल हो गया लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं है क्यों नहीं बेकार है क्योंकि आपने जो भी इतने दिन में सीखा है वो तो आपके पास माइंड में सेफ है यानी अब आपको सीखना नहीं है बस आपको तरीका थोड़ा 2024 में बदलना है वो कैसे बदलेंगे वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए जो देखो पूरा वीडियो देखो जिससे जो जानकारी हम बताएं वो सारी जानकारी आप तक पहुँच जाए वीडियो को स्किप करोगे बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कोई स्टेप मिस हो जाएगा आपसे इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा ध्यान से देखो जिस दिन आपने वीडियो किसी का भी हम नहीं कहते हमारा देखो किसी का भी देखो पूरा वीडियो देखो जो पूरी जानकारी ले सकें आप, आप चैनल पर नए हैं आपने वीडियो का थंबनेल देकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया क्यों क्लिक किया आपको जानकारी लेनी थी और ये थोड़ा दिमाग में जोर डाल लिए आपसे ही कह रहा हूँ थोड़ा जोर डालिए कि हमारा वीडियो आपके सामने पहुँचा तभी तो आपने उसको क्लिक किया अगर हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुँचता आपके स्क्रीन पर शो नहीं करता क्या आप क्लिक करते सवाल ही नहीं है जब कोई चीज आपको आपके सामने होगी नहीं तो क्या आप जानेंगे यूट्यूब पर 2024 में अगर काम करना है और ग्रो करना है तो ये इस बात को जरूर समझ लो जैसे हमारा वीडियो आप तक पहुंचा पहले क्या होता था पहले यूट्यूब का एल्गोरिदम दूसरे तरीके से काम करता था कैसे काम करता था आपके जो थंबनेल अच्छा अट्रैक्टिव होता था तो उस पर क्लिक करते थे क्लिक करने से आपके व्यूज आते थे उसके बाद क्या होता था यूट्यूब उस वीडियो को और आगे भेजता था लेकिन अब 2024 में क्या चेंज आ चुका है क्या चेंज आने वाला है 2024 में क्या होगा आप वीडियो डालेंगे थंबनेल भी अच्छा बनाएंगे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ सही भरेंगे लेकिन फिर भी क्यों यूट्यूब आगे नहीं भेजेगा वीडियो को क्यों नहीं भेजेगा किस तरीके पर काम कर रहा है अब अब वो तरीका आप समझिए YouTube का एल्गोरिदम तरीका बदल चुका है क्या तरीका है जानते हैं हम पूरे फुल डिटेल में जैसे पहले थंबनेल पे काम करता था टाइटल पे काम करता था आपका टाइटल अगर बहुत अच्छा है किसी ने देखा टाइटल देख कर क्लिक कर दिया तो यूट्यूब ने क्या किया वीडियो को और लोगों तक भेज दिया थंबनेल से क्लिक किया तो और लोगों के पास भेज दिया अब क्या है एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस हुआ अब यूट्यूब अब ये देखता है ऑडियंस रिटेंशन कि आपके वीडियो पर कितनी देर जो व्यूबर्स रुका कितनी देर रुका ये मेन चीज़ देखता है अगर आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया है ऑडियंस रिटेंशन अगर 3 मिनट है तो वीडियो को आगे भेजेगा अगर एक मिनट है या एक मिनट से कम आ रही है वीडियो को यूट्यूब का एकदम वहीं पर रोक देता है यानी एल्गोरिदम पूरा चेंज हो चुका है अब आपको वीडियो का डिफरेंस यानी अब क्या क्वालिटी आपको चेंज करनी है जिससे आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ आना स्टार्ट होगा और यूट्यूब के एल्गोरिदम जाकर फंसे जिससे वो आगे वीडियो तक भेजे आपको वीडियो ऐसा क्रिएट करना है जिससे व्यूवर्स को उस वीडियो में ज़्यादा समय तक रोको ऐसी बातें बताओ जानकारी भरी कोई झूठ बात मत बताओ बताओ और जो कोई चीज़ भी दिखाओ वो सही चीज़ें दिखाओ फर्जी की ना दिखाओ जिससे व्यूबर ज़्यादा समय तक आपके वीडियो पर टाइम दे सके जब आपके वीडियो पर ज़्यादा टाइम देंगे तो यूट्यूब आपके वीडियो को आगे भेजेगा 2024 में ये ट्रिक काम करेगी कैसे आपको करना है देखिए टाइटल में डिस्क्रिप्शन में कैसे की को भरना है तरीका हम बता रहे हैं पूरा समझ लो लगाओगे 100 परसेंट काम करेगा हम अपने पर पहले इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम ऑन कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है यहाँ पे शो कर रही है देखिए यूट्यूब को हम ओपन करेंगे ओपन करने के बाद सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आपके चैनल का लोगो आता है क्या करना है इस पर क्लिक करना है अगर आपको ये पता है तरीका फिर भी थोड़ा देख लो इसमें कुछ और तरीका जो है वो हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है चेंज उस तरीके को पूरा देख लो ये दिमाग में मत लाना कि ये तरीका आपने बता चुका है हमें पता है अब हम इस वीडियो को नहीं देखेंगे देखो इसमें थोड़ा चेंज है पूरा वीडियो जब देखोगे समझ जाओगे बिल्कुल देखिए अब आप आपको करना क्या है टर्न ऑन इनको पर ऊपर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अब आप आपको यहाँ पे अपने जो भी आपका चैनल है किसी भी कैटागरी का है उस कैटागरी से रिलेटेड आपने वीडियो को बनाया है एडिट किया है कंप्लीट करके रख लिया है थंबनेल भी बना लिया आपने अब किस टॉपिक पर बनाया है उस टॉपिक पर उस टॉपिक को यहाँ पे सर्च करना है थोड़ा गौर से समझना टॉपिक जैसे व्यूज कैसे बढ़ाएं हमारा टॉपिक है व्यूज कैसे बढ़ाएं व्यूज कैसे बढ़ाएं हमने इसको सर्च किया सर्च करने के बाद जो भी वीडियो फर्स्ट में आएगा मित्रों आप सोच रहे होंगे इस ट्रिक को आप बार बार बताते हैं नहीं पूरा देखोगे हंड्रेड परसेंट समझ जाओगे कि हाँ कि दूसरी ट्रिक इसमें फॉलो हो रही है देखिए अब क्या करना है इस वीडियो को आपको ओपन कर लेना है इस वीडियो को ओपन करना है ओपन करने के बाद क्या करना है आपको ओपन करने के बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से जो भी कीवर्ड्स हैं ये योर क्यूरीज करके कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स को आपको को स्क्रीन शॉट ले लेना है ठीक है स्क्रीन शॉट इसका ले लेना है और देखो कीवर्ड्स हैं इनका भी ले लेना है जो सारे कीवर्ड्स हैं इनको आपको ले लेना है इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है फिर से बैक आना है जहाँ पे यहाँ पे जो आपने कीवर्ड सर्च किया था इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए हमारे कीवर्ड्स और आ रहे हैं ध्यान से समझ रहे हो तरीका जरूर चेंज है आप खुद समझ रहे होंगे क्या करना है इन्हीं सब को भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है यानी यहाँ पे आपके कीवर्ड हो गए कुछ अगर व्यूज कैसे बढ़ाएं कोई सर्च करेगा या कोई सर्च करेगा व्यूज कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर देखिए या कोई व्यूज कैसे बढ़ाएं इंस्टाग्राम या व्यूज कैसे बढ़ाएं शॉर्ट वीडियो यानी जो भी हैं इनको आपको ले लेना है इनको आपको क्या करना है इन सब टैग को आपको अपने जो टैग सेक्शन होता वीडियो के टैग सेक्शन में इनको डालना है आपको और जो इससे जैसे यहाँ पे आप कितने है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस टैग यहाँ पे आ गए ये टैग आपको अपने वीडियो के टैग सेक्शन में इनको डाल देना है और इनको हाइज टैग बना देना है और सबसे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर सबसे टॉप पर तो आप टाइटल वाला लिखेंगे टाइटल वाले नीचे जो की लिखते हैं इनको लिख देंगे उसके बाद जो टैग हमने दूसरे वाले वीडियो से स्क्रीन लिए थे उस वीडियो के कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में इनको भी डाल देंगे यानी आपके ये जो सर्चेबल कंटेंट हैं की ये आपके यहाँ से मिल गए और जो उस वीडियो पर पड़े थे वो भी सर्चेबल थे वो मिलाकर आपके टैग हो गए की हो गए ज़्यादा यानी चांस हैं आपके वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के कोई भी कई बार सर्च करेगा कोई व्यूबर तो आपका वीडियो 100 परसेंट उसके सामने शो करेगा ये तरीका फॉलो कर लोगे 100 परसेंट आपके व्यूज 2024 में आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने बताया है 2024 में यूट्यूब कैसे काम करता है और कैसे काम करेगा दिसंबर से काम करना चालू है नवंबर से ही काम चालू है लेकिन आप थोड़ा ध्यान नहीं करते हो दिमाग नहीं लगाते हो दिमाग जिस दिन लगाना सही से सीख जाओगे और YouTube पर सही से काम करना सीख जाओगे दूसरे का वीडियो देखकर जानकारी अच्छी हासिल करना सीख जाओगे उस दिन से आप ग्रो करना सीख चल चालू हो जाएगा जैसे किसी टाइम ऐसा होता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में कुछ काम चलते रहते हैं जिससे उसका एल्गोरिदम डाउन होता रहता है ठीक है जब डाउन होता रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभी व्यूज डाउन होता रहता है चाहे छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो आप देख सकते हैं बड़ा क्रिएटर जो है मिलियन में व्यू सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज कितने आ रहे हैं दस हज़ार बारह हज़ार अट्ठारह हज़ार ऐसा क्यों हो रहा है ये नवंबर, दिसंबर चल रहा है इसमें ये थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इसी वजह से यूट्यूब का एल्गोरिदम डाउन हो जाता है व्यूज कम आता है परेशान नहीं होना है जो तरीका हमने बताया इसको फॉलो करो अब फिर से जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर से यूट्यूब पिकअप होगा तो आपका चैनल बूस्ट कर देगा जब बूस्ट करेगा तो आपके चैनल पर व्यू जाना स्टार्ट हो जाएंगे इतना तरीका आप फॉलो करो वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करो और अपने मित्रों के पास इसको जरूर शेयर करो अपने फेसबुक में शेयर करो इंस्टाग्राम पर शेयर करो हर जगह इस वीडियो को शेयर करो और हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप क्योंकि हम आपकी समस्या से रिलेटेड भी काम करते हैं आपके चैनल पर कोई समस्या आती है रीज्ड कंटेंट आता है या कोई अन्य प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन भी कराते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम